तेरी बीवी तो बहुत मेकअप करती है। मैं यार तेरे से क्या बताऊं यार, बीवी के मेकअप का खर्चा ना साला मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, माँ कसम। तो मेकअप बंद करवा दे। अबे यार मेकअप के बिना साली बीवी नहीं बर्दाश्त होती। जज साहब, मुझे अपनी बीवी से तलाक लेना है। क्यों? वो बर्तन फेंक के मारती है। पहले से मारती है या अब से? पहले से। इतने सालों के बाद तलाक क्यों? सर क्योंकि उसका अब निशाना पक्का हो गया है। अच्छी बीवियाँ ना ही शॉपिंग के लिए बोलती है, ना ही घूमने के लिए बोलती है, ना ही तंग करती है, ना ही शक करती है, ना ही हर बात पे कॉल करती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। यार तुझे पता है, जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि तेरे जैसी बीवी सबको मिले। अच्छा, मैं इतनी अच्छी हूँ? पागल है क्या? मैं इस दुनिया में अकेला क्यों दुखी रहूँ? बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले आप क्या करते थे? जो मेरा दिल करता था। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? एक बात बताओ, आपने कभी चुड़ैल देखी है? अबे यार शादी से पहले तो मैंने चुड़ैल नहीं देखी थी, लेकिन जब से मेरी शादी हो गई ना तब से रोज देखता हूँ। सुनो, आई लव यू। अगर मैं भी तुम्हें आई लव यू बोलूँ तो कैसा लगेगा? जानू मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। जा, नहीं बोलती, तू जी ले अपनी जिंदगी। जानू, हमारे नए पड़ोसी है ना, वो हर रोज ऑफिस जाते समय अपनी वाइफ को किस देके जाते हैं। आप क्यों नहीं देते? मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो उनकी वाइफ को जानता तक के नहीं। अभी हेलो माँ, कैसे हो? अच्छा आप आ रहे हो? कल ही आ रहे हो? तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर से माँ को बुला लिया? अभी तो वो रह के गई थी। सारा दिन उन्हीं का काम करते रहो। तुम्हारी माँ का फोन था। माँ तो आने दो ना, क्या हुआ? माँ हमारे पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी, है ना? सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? ऐसा क्या खाएं जिससे चश्मा लगाने की जरूरत न पड़े? अबे घास खाया कर, घास। ओ क्यों? बे यार कभी तूने जानवरों का चश्मा लगाते देखा है? बाबा मेरी बीबी बहुत परेशान करती है, कोई हल बताओ क्या करूं? बेटा अगर बीबी का कोई हल होता तो आज मैं बाबा न होता। जी ये पैर में पट्टी कैसी बांध रखी है, क्या हुआ? कुछ नहीं, बाइक से गिर गया था, थोड़ी चोट लग गई है। ओहो, दवा दारू ले ली क्या? हाँ वो तो गिरने से पहले ही ले ली थी। तुम बहुत सुंदर और पतले भी लग रही हो, आई लव यू डार्लिंग। इस मंत्र का दिन में 3 बार जाप करने के परिवार में सदा शांति रहती है और बोले जाने वाला एक झूठ का पाप भी नहीं लगता। ओम शांति ओम। सुनो जी, शादी की सालगिरह पर ना मुझे चैन गिफ्ट करना। ओके मेरी जान, अब ये भी बता दे साइकिल की दूं या मोटरसाइकिल की।